और उससे कह रहे हैं कि मार। तब वो कह रहा नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। क्यों? अब देखिए ज्ञान ज्ञान आ गया उसको। हाँ, कह रहा नहीं मारूंगा। भगवान पूछते क्यों नहीं मारेगा तू? बोलता है कि मारूंगा तो मेरे भाई को मेरा बाण लगे। क्या कॉन्फिडेंस है उसका अपने बाण पर, कितना अहंकार है उसको, भरोसा नहीं है। ये उसका भरोसा नहीं है बाण का, भरोसा तो केवल भगवान का होना चाहिए साहब। अहंकार है अपने बाण का अर्जुन को, अर्जुन जी को अपने बाण का अहंकार है कि मैं मारूंगा बाण। तो वो श्री राम बाबू को लगे या श्री राम बाबू के लड़के को लगे, वो बच नहीं सकता। क्या कॉन्फिडेंस अहंकार है उसको, ये नहीं पता है कि जिसको भगवान बचाना चाहे तुम कौन होते हो मारने वाले, और जिसको भगवान मारना चाहे तुम कौन होते हो बचाने वाले। लेकिन ये भ्रम उसको था। भगवान उसको कह रहे हैं कि सुन मार। अर्जुन बोलता नहीं मारूंगा। अच्छा तो एक बात बताओ अर्जुन, क्यों नहीं मारना चाहते? युद्ध करने के लिए मैदान में आ गए, हमको रथ पर ले आए तुम, हमको लगाम पकड़ा दी तुमने, क्यों नहीं मारना चाहते? तब कितना बढ़िया ज्ञान देता है अर्जुन। कहता कि मैं मारूंगा तो मेरे चाचा को बाण लगेगा, मेरे चाचा मर जाएंगे। तो क्या हुआ, मारने के लिए तो आयो? सुनिएगा प्रभु, भगवान को उपदेश देता है, सुनिएगा। मैं मारूंगा बाण, मेरे चाचा को लगेगा, मेरे चाचा मर जाएंगे, और मेरे चाचा मर जाएंगे तो मेरी चाची विधवा हो जाएंगी, तो मरेंगे तो विधवा होंगी, इसमें कौन सा। सुनिएगा प्रभु, भगवान को उपदेश देता है। जो भगवान लगाम पकड़े खड़े उन्हीं को उपदेश देता है, सुनिएगा प्रभु। मैं अपने मामा को मारूंगा, मामा मरेंगे, मेरी मामी विधवा हो जाएंगी। मैं अपने भाइयों को मारूंगा, भाई लोग मरेंगे। क्या अहंकार है अपने बाण पर उसको, भगवान पर भरोसा नहीं, अहंकार बाण पर। ये हमसे कब चूक होती है? हम भगवान की कथा कब नहीं सुनना चाहते जब हमको अहंकार अपना आता है, अपना अहंकार नहीं सुन रहा है कथा। ध्यान से सुनिएगा, 18 अध्याय की गीता भगवान कृष्ण जी ने उपदेश करी है, अहंकार में सुन नहीं रहा है वो, केवल कान में सुनाई पड़ रहा है, सुन नहीं रहा था। सुनना का मतलब होता धारण करो बात, सुनने का ये मतलब नहीं कि आपने सुन लिया, सुनने का मतलब आप उसको धारण करो, खाने का मतलब पचाओ वरना डिहाइड्रेशन होगा, खाने का मतलब पचाओ, पच नहीं पाएगा तो पलटी होगी, समाज को विकृत करोगे, पचाओ। अर्जुन उपदेश दे रहा है भगवान को कि मैं मारूंगा, मेरे मामा मर जाएंगे, मेरी मामी विधवा हो जाएंगी, मेरे चाचा मर जाएंगे, चाची विधवा हो जाएंगी, भाई मर जाएंगे, भाभी विधवा हो जाएंगी, फिर तो क्या हुआ, विधवा हो जाएंगी। सुनिएगा प्रभु, ये विधवाएं गलत काम करेंगी। अच्छा, फिर इनसे जो संतान पैदा होगी वो संकर बर्णी संतान पैदा होगी। अच्छा, तो मैं नहीं मारूंगा। भगवान को उपदेश दे रहा है जिसके जीवन की लगाम भगवान के हाथ में है। अच्छा, जरा एक आदमी कोई हाथ उठा के बताओ कि आपके जीवन की, आपके प्राण की डोर आपके हाथ में है, है कोई माई का लाल तो बोलो ना। पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं कथा, कोई हो तो कंप्लेन करना, है कोई माई का लाल जो कह दे दुनिया में कि मेरे प्राण की बागडोर मेरे हाथ में? तब तो कहोगे नहीं, प्राण की बागडोर तो परमात्मा के हाथ में। तो भरोसा परमात्मा पर क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने आप को धोखा देते हो? क्यों अहंकार में भरे पड़े हो? भगवान को उपदेश देते हो? भगवान को उपदेश देता है कि मैं नहीं मारूंगा साहब। 18 अध्याय की गीता भगवान ने उसको सुना डाली, कोई असर नहीं हुआ उसके ऊपर। ज्ञान योग, कर्म योग, धर्म योग, संन्यास योग, वैराग्य, सब कुछ सिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर। बाप भगवान को कहना पड़ा रुक, भगवान ने विराट रूप लिया, और जैसा विराट रूप लेकर भगवान सामने खड़े हुए और भगवान के शरीर में पूरी दुनिया देखी उसने, भगवान के शरीर में महाभारत के युद्ध में तैयार रथों पर बैठे पितामह भीष्म जैसे लोग दिखाई पड़े मरे हुए, पितामह भीष्म जैसे लोग
मरे हुए सैया पर पड़े हुए दिखाई पड़े। आंखों को बंद कर लिया उसने, चिल्लाया जोर से, अर्जुन रोकिए प्रभु, अपना ये रूप हटाइए, हटाइए प्रभु, ये रूप में नहीं देख पा रहा हूं। जब भगवान ने अपना विराट रूप वापस लिया और फिर से वो रथ की लगाम पकड़े दिखाई पड़े, तब चरणों में गिर पड़ा और बोला क्षमा कर दो प्रभु, हे माधव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माधव मैं आपका अपराधी हूं, हमको क्षमा कर दो ना। अच्छा देखिए, जो आदमी अपराध के लिए क्षमा मांगता है वो क्या क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। जो आदमी अपराध के लिए क्षमा मांगता है ना, जो समर्पण समर्पण करता है वो क्या क्या कहता है। अब आप जो कहेंगे वही करूंगा, हाँ अब अपनी बुद्धि नहीं लड़ाऊंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगा, आप जो आदेश देंगे उसका पालन करूंगा, करेगा ना जी प्रभु। क्यों क्यों करेगा तू, अभी तक क्यों नहीं कर रहा था, अब क्यों करेगा तू, अभी तक क्यों नहीं कर रहा था, अब क्यों करेगा तू, जो मैं कहूंगा वही वही करेगा, क्यों। तब बोला, ध्यान से सुनिएगा, तब बोला मेरा मोह रूपी पक्षी उड़ गया। क्या, हाँ प्रभु, मेरा मोह रूपी, मेरा संशय रूपी पक्षी उड़ गया, मेरा संशय रूपी पक्षी उड़ गया। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा विहंग उड़ गया, मेरा भ्रम जो था ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये उड़ गया, मुझे विश्वास हो गया। आप क्यों, देखा वो मरे पड़े। अच्छा तो पूछा, अभी भी पूछा कि प्रभु ये मरे कैसे हैं, ये लोग मरे कैसे हैं। भगवान बोले कि तू नहीं जानता, जिनको जिनको मैंने कहा कि इनको मारो, मेरी उंगली उठी वो मर गए, मेरी उंगली उठी वो मर गए। धर्म विमुख जो हो जाएगा वो मर जाएगा, ये लोग धर्म विमुख हो गए। वो बोला पितामह से कौन सा धर्म चूका, पितामह से पूछते हो, अन्याय सह कर चुप रहे महादुष्कर्म, अन्याय सह कर चुप रहे महादुष्कर्म, अन्याय सह कर चुप रहे ये महादुष्कर्म, अन्याय सह कर चुप रहना ये महादुष्कर्म। पितामह ने कौन सा अन्याय किया, भरी सभा में द्रौपदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हे पितामह आपके बाणों के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता और आपकी बाणी कोई काट नहीं सकता, आप बोलो ना। तब पितामह सर झुकाकर बैठे थे, याद है ना, अन्याय पर चुप थे ना, तुम्हारे तो हाथ बंधे थे धर्म से, जुए के धर्म में तुम हार चुके थे, लेकिन उनके कहां हाथ बंधे थे, क्यों चुप रहे वो। उसी समय मेरी संविधान पीठ ने निर्णय कर दिया कि अब पितामह जीवित नहीं, मर गए, मेरी नजर में मर गए। याद रखो मेरे भाई बहनों, भगवान की नजर में मत गिरना, दुनिया की नजर में गिरो, भगवान से कहते रहो चाहे कितनी सजा दे, नजरों से गिराना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल आए, नजरों से जो गिर जाए। Yeah.
गिरो बाप, भगवान की नजर में कौन गिरता है? भगवान कहते हैं अन्याय सहकर जो चुप रहता है भगवान उसको अपनी नजर से गिरा देते हैं। नजरों से जो गिर जाए। अर्जुन, पितामह भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने अपराध किया है, ये सब मर चुके हैं मेरी नजर में, तुमने देखा भी होगा जी प्रभु, तो उठाओ बाण। तब बोला नष्टो मोह स्मृति लभ तो प्रसाद मय अच्युत। नष्टो मोह स्मृति लभ तो प्रसाद मय अच्युत। नष्टो मोह स्मृति लभ तो प्रसाद मय अच्युत। नष्ट मोह स्मृति लभ तो प्रसाद मय अच्युत। स्थित स्मृत संदेह स्थित स्मृत। मैं अब स्थित हूं, अब जो आप कहोगे वही करूंगा, दस काम छोड़कर कथा सुनूंगा आपकी। स्थित तो स्मृत संदेह है, मेरा संदेह उड़ गया। ये राम कथा क्या करती है? राम कथा सुंदर करता कथा। जो उपदेश 18 अध्याय की गीता में करने के बाद अर्जुन का पक्षी उड़ा, वो पक्षी अगर अपनी जिंदगी का उड़ाना चाहते हो, भगवान के अति समीप रहने वाला, भगवान जिसकी लगाम उठा पकड़ते हो, भगवान जिसके घोड़े की लीद उठाते हो, इतने समीप रहने वाला व्यक्ति यदि अपराध कर सकता है तो हम आप किस खेत के मूली हैं? और हमें भगवान मिले ना मिले तो भगवान की कथा मिल गई है साहब। जो काम भगवान करते थे अर्जुन के लिए, वही काम ये कथा हमारे लिए करने को तैयार है। उनके पक्षी 18 अध्याय की गीता सुनाने के बाद उड़े, हमें वही परमात्मा अपनी कथा के माध्यम से हमारी जिंदगी में जो ब्रह्म का पक्षी है, ब्रह्म का, उसे उड़ाना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं। राम कथा सुनो। राम कथा सुंदर करता जय जय राजा। जितने लोग सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, एक आदमी कोई जरूर मैसेज भेजकर कंप्लेन कर देना हमारे पास। क्या आप में से कोई ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे जिंदगी का भ्रम तो दूर हो जाए लेकिन हमारी पत्नी भ्रम में रहे, हमारा भ्रम दूर हो जाए लेकिन हमारे पति देव को भ्रम में रहना चाहिए, हमारा भ्रम तो दूर हो जाए लेकिन हमारे पुत्र को, हमारे पुत्रों को भ्रम में रहना चाहिए,
हमारा भ्रम तो दूर हो जाए, लेकिन हमारे घर की बहू रानी को भ्रम में रहना चाहिए, धोखे में रहना चाहिए? कोई ऐसे हो तो जरूर आप हाथ उठाना, और आप जितने लोग बैठे कोई उठाओ हाथ। और मैं पूरी दुनिया को बोल रहा हूँ कि कोई अपने चैनल पर से आप मैसेज करना, हाँ महाराज मेरा नाम ये है, मैं फला जगह का निवासी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तो पार हो जाऊं भवसागर को, लेकिन मेरा बेटा डूब जाए, मैं तो पार हो जाऊं लेकिन मेरी सासू डूब जाए, मैं तो पार हो जाऊं मेरी बहू रानी डूब जाए, मैं तो पार हो जाऊं भवसागर लेकिन मेरे पड़ोसी डूब जाए। और यदि आप चाहते हो कि आपके पड़ोसी भी ना डूबे, आपके कुटुंब भी ना डूबे, आपके मित्र ना डूबे, आपके परिवार ना डूबे, आपको भरोसा है इस नौका पर? अर्जुन को भरोसा हुआ भगवान पर तो सारे भाइयों को बोला उठाओ गदा। अर्जुन को भरोसा जग गया भगवान पर, अभी भ्रम में था तो सब भाइयों को मना किया था, नहीं सारे सैनिकों को मना किया था, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। लेकिन जैसे उसका भरोसा भगवान पर जगा, संजीव प्रधान जी, उसने कहा उठाओ हमारा शस्त्र, चला दो गोलियां। साहब आपको भी भरोसा हो जाए राम जी की कथा पर कि राम जी की कथा मेरी जिंदगी के भ्रम को दूर करेगी, तो मेरे बेटे के भ्रम को भी दूर होना चाहिए, मेरी पत्नी के भ्रम भी दूर होने चाहिए, मेरे बच्चों के भ्रम दूर होने चाहिए, मेरे पड़ोसियों के भ्रम भी दूर होने चाहिए, मेरे रिश्तेदारों के भ्रम दूर होने चाहिए। उठाओ अपनी मोबाइल, कह डालो अपने रिश्तेदारों को, उठाओ मोबाइल कह डालो अपने मित्रों को कि यार भ्रम में मत रहो, मुगालता मत पालो, आओ भगवान की शरण में। अर्जुन को मुगालता था, लेकिन जब शरण में आया तो भीम को बोला गदा उठाओ। बाप भगवान के भरोसे जिस समय होकर गदा उठाओगे, विजय तुम्हारी होगी, भले तुम पांच हो। और भगवान के भरोसे न रह करके तुम सौ रहोगे, सौ तुम्हारे पास अठारह चौड़ी सेना रहेगी, तुम्हें मौत मिलेगी, मौत तुम्हारा पतन होगा। भगवान के भरोसे रहोगे तो निश्चित समझ लेना विजय तुम्हारी होगी। भरोसा यही है कि आज हम अकेले आए राम कथा में, कल हम अपने मित्रों सहित, परिवार सहित, कुटुंब सहित, भोजन बाद में, भजन पहले, ये शौक पैदा हो जाएगी अगर मन लगाकर सुन लिया होगा आपने तो। हाँ नहीं सुना होगा तो जबरदस्ती नहीं आती सर। अगर आप इस भरोसे आए होंगे कि प्रधान जी ने हमको बुलाया तो चलना पड़ेगा, मित्र हैं अपने, तब नहीं। मंगला बाबू मोटरसाइकिल उठाकर गांव गांव जाकर भगवान के लिए जागरण करना होगा। जागा आदमी जो सिपाही रात भर जागता है, सीटी बजाता है, वही तो कहता जागते रहो, तभी बोलता सीटी बजाकर सोते रहो हम जाग रहे हैं, ऐसा बोलता क्या? जो जागता है वो पूरी रात सीटी बजाता है, और सीटी बजाकर क्या बोलता है? जागते रहो। यदि आपके अंदर ये चेतना नहीं जगी कि मैं पूरे गांव को कल जगाऊंगी, पूरे गांव को कल जगाऊंगा, पूरे मित्रों को जगाऊंगा, पूरे परिवार को जगाऊंगा, सोने नहीं दूंगा किसी को जी, क्योंकि मैं परमात्मा का सिपाही हूं। जागने वाला ही दूसरों को जगा सकता है, सोने वाला नहीं जगा सकता। यदि आप अपने पड़ोसियों को राम कथा के लिए नहीं कह पाते हो तो समझना कि भगवान की नजर में तुम सो रहे हो, और जो सोता है वो खो देता है, जो जागता है वो गट्ठर बना लेता है। जागो बाप, मोबाइल का उपयोग करो, जियो का उपयोग करो, जगाओ सबको, बताओ सबको। हम दूर चैनल पर बैठे सुन रहे लोगों से कहते हैं अगर आपके कोई रिश्तेदार वाराणसी में हो, काशी नगरी में हो, तो उनको फोन करना कि हम तो काशी नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे नाते तुम चले जाओ राम कथा में, कथा सुनोगे, तुम्हारा कुछ पुण्य हमको मिल जाएगा, जाओ भेजो अपने अपने रिश्तेदारों को। साहब ये शौक पालो, ना जाने कब खत्म हो जाए इस जीवन की आ, ना जाने कब
राम बाबू बेटियां पैसे निकास जो कह वेद पुराना हा हा जो कह वेद पुराना हा हा जो कह वेद पुराना आस पास के आचारा भाषण सारा धर्म सुनई नहीं जाना तेहि कहु विधि दास देश निकास जो कह वेद पुराना हा हा जो कह वेद पुराना हा हा जो कह वेद पुराना। ये उस जमाने की बात है बेचारा एक वक्ता जंगल में जब रावण जी का शासन चल रहा था मंडलीक महारावण राज कर अपने तंत्र अपने मंत्र के बल पर राज कर रहे थे। रावण जी पूरी दुनिया में फैल गए थे, हाहाकार मचा दिया था, वेद पुराण की चर्चा करने वालों को बंदी बना लेता था, मारता था, खदेड़ देता था। आज तो इतनी स्वतंत्रता है कि हम कलयुग में कथा कह रहे हैं कोई मार नहीं रहा कि खदेड़ नहीं रहा है। साहब उस महात्मा को तो मार करके खदेड़ रहे थे उस जमाने में कथा कर रहा था। और उसने अपील की होगी दूरदर्शन के माध्यम से कि हे पूरी दुनिया के लोगों आप कहीं भी हो आओ काशी में कथा हो रही है, जंगल में नहीं काशी में। अच्छा देखिए बड़ी काम की बात है साहब, बड़ी काम की बात है। काशी भगवान शिव जी के त्रिशूल पर है और ऊंचे है। काशी भगवान शिव जी के त्रिशूल पर है और ऊंचे है, सबसे ऊंची जगह। पूरी सृष्टि जब लय कर जाती है तो काशी बची रहती है। पूरी सृष्टि जब जल जल हो जाती है काशी बची रहती है, क्योंकि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। काशी पूरी धरती से अलग है। महाराजा हरिश्चंद्र ने पूरी धरती दान कर दी, पूरे भूमंडल के राजा थे और काशी में आए बिकने के लिए। विश्वामित्र जी ने पूछा काशी हमारी नहीं है क्या? तब भगवान शंकर जी ने कहा काशी आपकी नहीं है। भगवान शंकर जी के दरबार में रहने वाले हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं काशी आपकी नहीं, काशी तो त्रिशूल पर बसी शिव की है, वो हमारी नगरी में नहीं, हमारे साम्राज्य में नहीं है। अयोध्या का साम्राज्य वहां नहीं चलता, काशी का अपना अलग साम्राज्य है। बाप काशी का अपना अलग साम्राज्य है, याद रखना। काशी नगरी संसार में समस्त भूमि से परे है। हम काशीवासी लोग एक बात को गांठ बना ले कि जो कथा त्रेता के युग में चल रही थी वो कोई और कथा नहीं थी, यही कथा थी राम जी की, यही कथा, दूसरी नहीं। भगवान शंकर जी ने जो रचना बनाकर रखी थी ये वही कथा जंगल में बैठकर महात्मा कह रहा था। हम तो काशी में सबसे ऊंचे बैठकर कह रहे हैं और वो महात्मा जी कथा कह रहे थे, वो कहां बैठे थे ध्यान से सुनिएगा। संसार की सबसे निचली जगह का नाम है मनोज भैया समुद्र की तलहटी, और समुद्र की तलहटी में बैठकर के कथा कह रहे थे महर्षि कुंभज। और शायद हाथ फैलाकर पुकार करके महर्षि कुंभज ने भी ऐसे ही कहा हो जैसे हमने आज आपसे अपील की कि श्री राम बाबू परसों क्यों, कल ही अपने बच्चों को बुलाना चाहिए। ऐसे ही अपील उस महात्मा ने की होगी कि आओ दुनिया वालों मैं भगवान प्रभु श्री राम जी की कथा गा रहा हूं आओ। और तब कोई चला हो ना चला हो, ध्यान दीजिएगा संजीव बाबू अभी चूक जाएंगे, विषय बहुत काम का है। बाप कोई चला हो ना चला हो काशी जी में कथा सुनने के लिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ काशी छोड़कर चल पड़े। कहां? समुद्र के किनारे वो महात्मा पुकार रहा था कि आओ मैं भगवान राम की कथा बरसा रहा था। राम कथा
ये अंतराल समझ में आएगा ना तो कल आप चार काम छोड़कर कथा को वरीयता देकर परिवार के साथ चलकर आए। एक व्यक्ति तो सुन रहा है, नाम है शिव बाबा, नाम है विश्वनाथ भगवान, नाम है भोले बाबा। वो सुन रहे हैं किस क्या जंगल में बैठकर एक महात्मा कह रहा है राम कथा यहाँ बरस रही है भीग जाए इसमें तो प्राण। राम कथा यहाँ बरस रही है भीग जाए इसमें तो प्राण। यहाँ तक की बात तो समझने लायक थी, लेकिन जब आगे कहा उस महात्मा ने ना जाने कब खत्म हो जाए इस जीवन की कहानी, ना जाने कब खत्म हो जाए इस जीवन की कहानी। भोले बाबा का तो कॉन्फिडेंस पक्का है, वो कहते हम तो अमर हैं, हम तो कभी मरते नहीं हैं। लेकिन हमारी जो पत्नी है ना सती, ये अनेकों बार मर चुकी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं तो अमर हूं, मरता नहीं हूं। भगवान के पास तीन आंखें हैं, ध्यान से समझिएगा, अजन्मा अज निज और सहज, ये तीन नेत्र हैं भगवान शिव के। आपके पास क्या है, आज और निज है, सहज बंद है आपका। वो सहज आंखें सबको मिली हैं, लेकिन आपने अपनी सहज आंखें बंद कर रखी हैं। भगवान शिव जी जब चाहते खोल लेते हैं, आप जब चाहो खोल नहीं सकते हो। आपके खुलने में चाबी लगेगी, भगवान शंकर को उस चाबी का पता है, इसलिए उनकी आंखें खुली हैं और आपकी आंखें बंद हैं। कौन आ तीसरी, दो आंखें आपकी खुली हैं और इन आंखों में कई बार पर्दे पड़ जाते हैं साहब, कंकड़ पड़ जाते हैं, पत्थर पड़ जाते हैं, धूल पड़ जाती है, लेकिन तीसरी आंख की चाबी भगवान शंकर ने खोल रखी है अपनी, आप नहीं खोल पाए हो, बंद है। वो तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा जरा मन लगाकर सुनना। शंकर बाबा ने जैसे ही सुना कि ना जाने कब खत्म हो जाए इस जीवन की कहानी, मनोज सिंह जी तुरंत उनके मन में विचार आया
कि यार मैं तो अजर अमर हूं, लेकिन मेरी पत्नी ये सती कई बार मर चुकी, जितनी बार मरी उतनी बार इसका मुंड काट काट के मैंने मुंडों की माला बना रखी है गले में, इतना प्यार करता हूं मैं इसको, लेकिन ये अपने कर्मों से मरती है, ये अपने कर्मों से मरती है। अगर ये कर्म सुधार ले तो शायद बच जाए। ध्यान से सुनिएगा बाप, ये बड़े काम की बात है। ये मेरी पत्नी सती अपने कर्मों से अनेकों बार मरती, और मैं कितना प्यारा आदमी हूं, मैं इसको कितना प्यार करता हूं कि जब जब ये मरती है इसके मुंड काट कर मैं एक माला बनाकर इसको पहन लेता हूं। इतनी बार मर चुकी है, हो सकता है आपकी बार इसको अकल आ जाए। महात्मा चिल्ला रहा है जंगल में बैठकर, ना जाने कब खत्म हो जाए इस जीवन की कहानी, ना जाने कब खत्म हो जाए इस जीवन की कहानी। बतियाइएगा नहीं बाबू, सुन लीजिए मन लगा के। राम कथा यहाँ बरस रही है, गिरजा उसने पुकारा, राम कथा यहाँ बरस रही है, गिरजा उसने पुकारा। जैसे मैंने अभी दोनों हाथ उठा के पुकारा है पूरी दुनिया को, हे दुनिया में बैठे चैनलों पर देखने वाले भाई बहनों, जागो, जो जागेगा वही दूसरे को जगा पाएगा। सिपाही रात भर जागता है और कहता जागते रहो, तब जगा पाते हो आप पूरी दुनिया को, चोर डाकुओं से सुरक्षित कर पाते हो। आप भी अपने परिवार को चोर डाकुओं से सुरक्षित करना चाहते हैं। ये चोर डाकू कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या, ये सात चोर आपको घेरे बैठे हैं, मौके की तलाश में बैठे हैं, कब आपके घर में सेंध लगा दें। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को इन चोरों से बचाना चाहते हो। आप तो भी महाराज, ये कहां लिखा, ये चोर है महाराज। एक भक्त निवेदन करता है कि ये जो हृदय है प्रभु, ये जो हृदय है ये आपने दिया है, ये आपका घर है, मेरा हृदय आपका घर है, लेकिन यहां आए बसे बहुत चोर। कभी कहता है मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। मेरा हृदय आपका भवन है, और यहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, अविद्या नाम के चोर आकर बैठ गए हैं। आप आओ प्रभु, ये भाग जाएंगे। आप आओ मनोज बाबू। वो महात्मा जंगल में त्रेता के युग में जब गायें मारी जा रही थी, वेद पुराण पढ़ने वालों को रावण जी के लोग मार मार कर खदेड़ते थे, आजकल तो ऐसा नहीं चल रहा है, उस समय कथा कह रहा था महात्मा, और महात्मा ने पुकार करके कहा, हे पूरी दुनिया के लोगों, ये कथा तो तीनों लोक के लोगों के लिए है, ये कथा तीनों लोक के लोगों के लिए है। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये गंगा तो महाराज धरती लोक में रहती है, तो सकल लोक को वाली गंगा कौन है? ये काम की बात है। ये गंगा तो यहां देखते हैं कि इस धरती के लिए बनी है, सकल लोक की गंगा कौन है? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, और
पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। ये गंगा तो कुछ क्षेत्रों को पावन करती है साहब, लेकिन ये जो गंगा यहाँ संजीव बाबू के आंगन में बह रही है ये सकल लोक जग पावनी गंगा है। काशी की नगरी में रामकथा रूपी गंगा, इसमें जैसे ही शंकर बाबा ने सुना महाराज कैलाश मानसरोवर पर रहने वाले भोले बाबा, आप में से तमाम लोग मानसरोवर गए होंगे, मानसरोवर में वहां जो वातावरण है वो 30 डिग्री शून्य से नीचे तापमान रहता है, जैसे जो तापमान आपके फ्रीजर में रहता है, फ्रिज में नहीं, जो तापमान आपके फ्रीजर में रहता है वो तापमान मानसरोवर का है। इसी नाते वहां पानी बर्फ बन जाता है और आपके फ्रिज में रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है फ्रीजर में। फ्रीजर का पानी कटोरी में रखो तो बर्फ बनता है कि नहीं? ऐसे ही भगवान शंकर जहां रहते हैं मानसरोवर में, वहां भी 30 डिग्री से नीचे तापमान है, शून्य से नीचे, इस नाते वहां पानी बर्फ बनकर शिवलिंग बन जाता है। साहब अंग्रेज लोग लंदन में रहते हैं, वहां ठंडी ज्यादा है, इस नाते वहां के लोग चमड़े गोरे हैं, कर्नाटक वालों के काले हैं, अफ्रीका वालों के काले हैं, वहां गर्मी है। कर्पूर गौरव इसीलिए कहे जाते हैं भोले बाबा, कपूर सफेद एकदम होता है और भोले बाबा कैलाश मानसरोवर में रहने के नाते एकदम सफेद हैं। जरा कल्पना करो, आप तब एसी गाड़ी में चलते हो, आपको थोड़ी सी गर्मी में कहीं बैठना पड़ जाए तो आपके अंदर पसीना आ जाता है। भोले बाबा इसी राम कथा को सुनने के लिए, साहब जो कथा हम यहाँ गाने बैठे हैं काशी में, इसी कथा को सुनने के लिए, जैसे महात्मा ने कहा राम कथा यहाँ बरस रही है, भीग जा इसमें तू प्राणी, ना जाने कब खत्म हो जाए इस जीवन की कहानी। भोले बाबा को लगा मैं तो अमर हूँ, मेरी पत्नी इसी बहाने अमर हो जाए, चलो इसको लेकर चलते हैं, और अपनी पत्नी को तैयार किया उन्होंने और पत्नी को लेकर के आए। एक बार त्रेता युग जय जय राम, एक बार से सुनना, लेकिन ये 15 मिनट जरा ठीक से मन को रखो बाप। आप में से कौन ऐसे लोग बैठे हैं पीछे तक जिसके घर में कभी शंकर बाबा मिलने आए हो? आए कभी? क्या सौभाग्यशाली वो संत रहा होगा साथ जंगल में रहने वाला जिसके पास शंकर बाबा मिलने गए? बाकी तो सब लोग विश्वनाथ मंदिर मिलने जाते हैं, लाइन लगी है, दो दो दिन लाइन लगा के लोग मिलने जाते हैं शंकर बाबा को। वो शंकर बाबा किसके पास मिलने गए? जो जंगल में बैठकर प्रभु श्री राम जी की कथा गा रहा था और कह रहा था कि राम कथा यहां बरस रही है, भीग जा इसमें तू प्राणी। अपनी पत्नी को लेकर गए, अकेले नहीं, याद रखना जो ठीक से सुन लेगा वो अपनी पत्नी को बिना कथा में लेकर गए नहीं मानेगा। साहब हम तो सुधर जाए, हमारी पत्नी भी संवर जाए। जो लोग अपनी अपनी पत्नी को संवारना चाहते हैं ना,
उनको चाहिए। शंकर बाबा अपनी अपने लिए नहीं गए होंगे शायद, अपनी पत्नी को संवारने के चक्कर में गए कि मैं तो अमर हूं, मेरे हृदय में कथा हरदम रहती है, लेकिन मेरी पत्नी नहीं सुनती, इसको सुना दूं। अब ध्यान से सुनिएगा, पत्रकार लोग बैठे हो तो मन लगा के सुनना। और आप पत्रकार शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम आप जैसा जीवन जीते हैं, पत्रकारों की बड़ी बारीक नजर हमारे आपके ऊपर होती है, वो शंकर बाबा को नहीं छोड़ते, शंकर बाबा की धर्म पत्नी आदि शक्ति सती को नहीं छोड़ते, हम आपके इस खेत की मूली हैं। भगवान शंकर जब चले तो क्या सुंदर निवेदन किया, संग सती जगे जननी भ्रमा जय जय राजा राम। संग सती जग जननी भवानी जय जय राजा राम। संग सती जग जननी भवानी जय जय राजा राम। संग सती जग जननी भवानी अखिलेश्वर जा जय जय सीता राम। अखिलेश्वर जा जय जय सीता राम। पूज ऋषि अखिलेश्वर जा जय जय सीता। ऐसे तो पंक्ति मैंने कह दी, इस पंक्ति का अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए। भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी सती को लेकर, मनोज बाबू कई मंजिले का मकान बनाए हैं आप, कई मंजिले की कोठी है आपकी, दो, अच्छा यहां 200 मंजिले की कोठी किसी के पास है बनारस में काशी में? नहीं ना, जरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे पास तनिक भी अहंकार हो इस बात का कि मैं वातानुकूलित भवन में रहता हूं, मेरी कोठी तो बहुत ऊंची है, मैं तो बहुत संपन्न सुखी आदमी हूं, क्या भगवान भोलेनाथ से ज्यादा संपन्नता हमारे आपके जीवन में है? कोई यहां धरती पर जो ये कह सके कि मैं भगवान भोलेनाथ से ज्यादा संपन्न हूं? यदि भगवान भोलेनाथ से ज्यादा संपन्न सुखी हम लोग नहीं है, फिर भी अहंकार में डूबे हैं। और जो इतना संपत्ति का मालिक दिन भर देता रहता है, दिन भर देता रहता है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी भगवान शिव जी को जैसे साधु ने पुकारा, दौड़ पड़े राम कथा सुनने के लिए। कहां जहां साहब बंबई के किनारे चले जाइए अभी तो वहां कोई कुर्ता पहन के घूमता है, सब नंगे बनियान पहन के, क्यों? गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, सभी गर्मी में परेशान है बंबई में, और समुद्र के किनारे साहब गर्मी होती है। अच्छा गर्मी किसके पास होती है? जिसके पास धन होता है, तो धन की गर्मी। समुद्र के पास रत्न है भरा, रत्न आकर है तो गर्म। अच्छा किसी धनी आदमी के अगल बगल जाल लोग चल रहे हो, वो भी रंग में रहते हैं एकदम से, ऐसे बंबई समुद्र के किनारे रहने वाले लोग रंग में रहते हैं। पूज गुरुदेव भगवान कहते चल करके आए भोले बाबा वहां, पत्रकार देख रहा था, पत्रकार ने लिख दिया संग सती जग जननी भवानी, तीन नाम, और भगवान शंकर आए, कोई अहंकार नहीं, दुनिया के सबसे ऊंची कोठी से उतर कर आए हैं, दुनिया के सबसे वातानुकूलित भवन से उतर करके आए हैं, समुद्र के किनारे जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है वहां आए हैं। किस लिए? साधु को देखने नहीं, राम कथा सुनने। क्या करने? राम जी की कथा सुनने। और राम कथा सुनने आए साहब, तब उस महात्मा ने देखा। अच्छा हम जब यहां कथा करते करते कभी कभी नाम लेते हैं फला बाबू, तो कोई अगर ये सोच ले कि साहब फला बाबू का नाम क्यों लिया, तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आदर करना कथावाचक का भी धर्म है। आप कहोगे कहां लिखा है, तो मैं दे रहा हूं प्रमाण,
प्रमाण दे रहा हूं। कुंभज ऋषि समुद्र के किनारे कथा कर रहे थे और उनके सामने उनके श्रेष्ठ आ जाए, श्रेष्ठ कोई आ जाए उसका आदर करना वक्ता का भी धर्म है। तो श्रेष्ठ भगवान शंकर आए तो लिखा है पूजे ऋषि, पूजे ऋषि। अगर ऋषि कुंभज पूजन कर सकते हैं, आप कहोगे कुंभज की क्या औकात। हाँ, बड़ी सुंदर बात आपने कह दी। कुंभज की औकात जानने की कोशिश करो तो जरा जानो, महर्षि कुंभज की औकात जानने की कोशिश करो तो जानो महाराज इतना बड़ा हैसियत वाला आदमी और वो भी कथा के श्रोता का आदर करता है। क्या औकात है उनकी, एक दिन की घटना। समुद्र के किनारे बैठकर वो संध्या वंदन कर रहे थे, संध्या त्रिकाल संध्या पूजन कर रहे थे सूर्य नारायण भगवान का। और उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा, एक टिटिहरी, टिटिहरी छोटी सी पक्षी है, छोटी सी टिटिहरी कीड़ा है, उड़ती है वो टिटिहरी। कई बार लोग दुबले पतले आदमी को टिटिहरी टांग जैसे तुम घूम रहे हो ऐसा बोल देते हैं लोग दुबले आदमियों को। वो आदमी टिटिहरी टिटी, उसकी भी औकात है, जिस खेत में बैठ जाती खेत साफ हो जाता है, ये औकात है टिटी की। तो टिटी जो है अंडा देती है पक्षियों की तरह, तो उसने अंडा दिया, अंडा दिया समुद्र के किनारे। और समुद्र में आप जानते हैं लहर उठती है, और जैसे अंडा दिया से रही थी लहर आया वो तो भागी, अंडा समुद्र में चला गया। बिचारी फिर कैसे कैसे मेहनत करके गर्भवती फिर हुई, गर्भवती हुई फिर उसने गर्भ पाला और फिर अंडा दिया, और अंडा दिया फिर एक दिन समुद्र के किनारे लहर आया फिर उसका अंडा गायब हो गया। फिर बेचारी किसी तरह मेहनत करके पति को मनाई होगी और फिर गर्भवती हुई, और गर्भवती हुई फिर अंडा से आया उसने, अंडा बड़ा हुआ उसका और फिर अंडा दिया उसने, और अंडा दिया और फिर समुद्र उसके अंडे को सुखा लिया। तो महाराज क्रोध में आ गई और उसने संकल्प लिया, ऐ समुद्र तुम हमको टिड्डी समझते हो, तुम्हारी ये हम तुम्हें सुखा देंगे। अच्छा दुबले पतले आदमी कई बार तमतमा के बहुत लंबी लंबी बोलते हैं, तो हम लोग मोटे मोटे लोग कहते हैं ये क्या टिड्डी जैसा आदमी है। समझना चाहिए साहब टिड्डी की भी औकात होती है, याद रखना टिड्डी की भी औकात होती है। दुबली पतली बहुरानियों को जो सासुएं मोटी मोटी होती है ना बहुत उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, उनको भी समझना चाहिए कि दुबली पतली बहुरानियों की भी औकात होती है। मोटी मोटी सासुओं महाराज उसने ललकार दिया और ललकार करके पुरुषार्थ में लग गई कि मैं तुम्हें मिटा सुखा के छोड़ूंगी। महाराज करती क्या थी, वो जाती समुद्र में डुबकी मारती निकल कर बाहर आती और आकर के वो बालू में लोटती और लोट करके फिर बालू समुद्र में जाती। फिर यही क्रम उसका दिन भर चलता रहा, दोपहर में चलता रहा, शाम को चलता रहा। महात्मा कुंभज ऋषि सुबह गए तो उसको देखा, दोपहर में गए संध्या करने तो देखा, शाम को जब संध्या करने गए तब भी देखा, तो महात्मा के मुख से आवाज निकला बेटी। जैसे महात्मा के मुख से आवाज निकला बेटी, सो महाराज फफक कर रो पड़ी, बाबा आपने मुझे बेटी कहा है। हाँ बेटी मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू ये क्या कर रही है, मैंने तुझे सुबह भी देखा, दोपहर में भी देखा, शाम को भी देख रहा हूँ, तू ये कर क्या रही है। तो उसने कहा मैं समुद्र को सुखाने का पुरुषार्थ कर रही हूँ बाबा, आपने मुझे बेटी कहा था, मुझे आशीर्वाद नहीं करिएगा, मुझे संबल नहीं दीजिएगा कि मैं समुद्र को सुखा सकूं। बेटी तुझे बल दूंगा, निश्चित बल दूंगा, तेरा संकल्प है तो पूरा होगा। कैसे पूरा होगा बाबा, महात्मा ने कहा धैर्य रख तू। और महात्मा जी समुद्र के किनारे गए और समुद्र को अपने अंचल में लिया और तीन बार उठाकर समुद्र को महर्षि कुंभज ने पिया, समुद्र सूख गया साहब, समुद्र सूख गया। समुद्र सूख गया तो जलचर जीव तड़पने लगे, ब्रह्मा जी को खबर मिली, दौड़े आकर बहुत मनाया कि बाबा ये क्या हो रहा है,
समुद्र सूख गया, जलचर जीव मर जाएंगे, कितने लोग कितनी हत्या हो जाएगी। बाबा आप करुणा करो। संत कहते महात्मा ने लघु शंका करी और फिर से सागर भर गया। जिसकी लघु शंका इतनी कि सागर बन जाए, जिसकी ताकत इतनी कि तीन अंजुल में सागर पी जाए, उस महात्मा को छोटा मोटा महात्मा समझकर कैसे कोई जी सकता है साहब। ऐसा प्रभावशाली महात्मा और भगवान शंकर पधारे श्रोता के रूप में, भगवान के रूप में नहीं श्रोता के रूप में पधारे और उनका आदर करते हुए उठकर खड़े हुए, उनकी चरण पखारी, उनकी पूजा करी, उनकी आरती उतारी। हाँ उनकी आरती उतारी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, जय जय राजा पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, जय जय राजा हरे। राम कथा ध्यान से सुनिएगा, यही निवेदन है। जैसे पूजा करी महात्मा ने हाथ जोड़ करके, एक आप प्रभु कैसे पधारे, तब कहा आप गद्दी पर बैठिए और हम यहाँ राम कथा सुनने आए हैं, पूजा लेने नहीं। हमारी भी शौक ऐसी मनोज बाबू पैदा हो जाए कि हम अपने घर के कामों से फुर्सत निकालकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं। वो विश्वनाथ कैलाश की ऊंचाइयां छोड़कर 200 मंजिला नहीं, न जाने कितनी ऊंची महल है उनका, सब भोले बैठा है सबसे ऊंचे महल पर, सबसे ऊंचे सिंहासन पर रहता है। वो कथा सुनने आता है, अकेले नहीं पत्नी के साथ आता है, और हम चूक जाए ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी चूक है साहब। महाराज आप बैठो, राम कथा सुनाओ और ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट और मन लगाना है। राम कथा मुनि वरज बखानी, जय जय राम हरे। राम कथा मुनि वरज बखानी, जय जय राम हरे। सुनो महेश, ये काम की बात है। हैं बैठे दो लोग, शंकर बाबा उनकी पत्नी, और शंकर बाबा शायद इसीलिए लेकर के आए थे कि मैं तो अमर हूं, मेरी ये पत्नी कथा सुन ले तो अब की बार नहीं मरेगी, तो एक मुंड और नहीं बढ़ाना पड़ेगा हमको, हमने जो मुंडों की माला पहन रखी है सब इसी की है, एक बार ये मर चुकी और मैं प्रेम में इसके मुंडों की माला पहनता हूँ, अब की न मरे, हो सकता राम कथा ठीक से सुन ले, मुक्त हो जाइए। लेकिन जिसकी मति बिगड़ी होती है साहब, वो किसे सुनेगा। इस शरीर में दो चीजें रहती है, देखे इस माइक के पास बटन लगा है, बटन ऐसे नीचे दबा दे बंद हो जाएगा, ऊपर कर दे जल जाएगा। ऐसे हमारी जिंदगी में भी दो एक बटन लगा है, वो कैसा बटन, सुमति कुमति, दो बटन है, नीचे दबाओ तो कुमति और ऊपर दबाओ तो सुमति। ध्यान से सुनिएगा, एसी में जरा देखो, एसी में एसी चालू करना हो तो ऊपर बटन ले जाना पड़ता है कि नीचे, एसी चालू करना हो तो बटन ऊपर। हाँ क्यों, अब जिंदगी को समझना, अधोगति, कमर से नीचे तुम्हारा पतन हो तो अधोगति, और अपनी ऊर्जा को आप कमर के ऊपर चढ़ा लो। बैल को आप देखो, गांव गांव में काम करने वाला बैल दुबला होता है, खोपड़ी छोटी होती है, और परमात्मा की कृपा से टहलने वाले सांड की क्या स्थिति होती है, इतनी बड़ी खोपड़ी, क्यों क्यों होती है, तो वो अपनी अधोगति नहीं होने देता। अपनी अधोगति रोकने के लिए डकार मार, आपको अपना ब्रह्मांड बड़ा करना है ना, आप शीशे के सामने खड़ी खड़े होकर देखिए, कभी जाके अभी आज ही जाके देख लेना, आप चेहरे की चमक लाना चाहते हैं कुछ मत करिए, इस खोपड़ी को बड़ा करना चाहते हैं कुछ मत करिए, केवल एक अभ्यास करिए शीशे के सामने, और ये चेहरे पे चमक अपने आप तेज आ जाएगा साहब। भगवान का जो ये विश्वनाथ बाबा का बैल है ना, ये यही करता है।
ब्रह्मांड बड़ा रहता है, साथ छाती चौड़ी रहती है। आप भी अपनी अधोगति न करके ऊर्ध्वगति करो साहब, ब्रह्मांड को बढ़ाओ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये सीखो भगवान शंकर जी के बैल से। ब्रह्मांड उसका बड़ा है। राम जी की कथा सुनो, बैठो नहीं, राम कथा में बैठने का कहीं फल लिखे नहीं है कि बैठोगे तो। हाँ, बैठने वालों को भी फल है, जिसको सुनाई नहीं पड़ता उसके लिए भी फल है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता उसके लिए भी फल है, लेकिन पूर्ण फल लेना है तो लिखा है राम कथा मुनि वर जे बखान, जय जय राजा राम रे। राम कथा मुनि वर जे बखान, जय जय राजा राम रे। आप हमारे साथ जय जय राजा राम हरे तो बोलो बाप। राम कथा मुनि वर जे बखान, जय जय राम कथा मुनि वरज बखानी, जय जय राजा राम हरे। सुनि महेश परम सुख मान, जय जय सीताराम हरे। सुनि महेश परम सुख मानी, जय जय सीताराम हरे। सुनि महेश परम सुख मानी, जय जय सीताराम। सुनी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा, सुनी महेश सती ने नहीं सुनी, क्यों? अब हम यहां कथा कर रहे हैं और संजीव बाबू की धर्म पत्नी ये मन में विचार करने लगे कि ये बाबा जी हमको क्या कथा सुनाएंगे। हमारी गाड़ी जाती है तो स्टेशन से यहां आते हैं, हम भोजन बढ़िया सुंदर रसगुल्ला लाकर न दे तो ये पानी कहां से पाएं, हम रसगुल्ला देते तो ये पानी पीते हैं, हम बढ़िया भोजन बना के इनको परोसते तो ये खाते हैं पाते हैं, ये हमको क्या सुनाएंगे। हम दक्षिणा देते तो ये विदा होते, ये हमको क्या सुनाएंगे। जैसे संजीव बाबू की धर्म पत्नी के मन में ऐसे ऐसे विचार उठने शुरू होंगे कि हम न करें माइक न लगाएं ये का सुनाएंगे, उसी समय श्रवण शक्ति का नाश हो जाता है। सुनते समय जैसे आपने कुछ सोचा, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, ज्ञान का नाश दृढ़ता छूटते ही ज्ञान चला जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद बस होकर सुनेगा कोई। अजय बाबू की पत्नी ये प्रमाद करे कि हमारे पति देव न लगे होते तो ये क्या आयोजन करते हम जानते। प्रमाद, प्रमाद बस किसी की पत्नी बैठकर कथा सुनेगी तो उसको फल की प्राप्ति न होकर बल्कि कुफल होगा। क्या होगा? कुफल। भगवान शंकर की पत्नी को माफी नहीं मिली तो हम आप किस खेत की मूली है। दो मिनट कथा को जरा ठीक से सुनना बाप। भगवान शंकर ने मन लगाकर कथा सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। मनोज बाबू, आप किसी संत का आदर करते हो और सुख मानो तो सुख है, दुख मानो तो दुख है। अरे यार, कहां चल चक्कर में पड़ गए, स्टेशन जाएं लाएं ये करें वो करें, छोड़ो। हम मान ले दुख तो दुख, और यदि इसमें सुख की अनुभूति माने कि भगवान का कोई परिकर आ रहा है, भगवान का कोई सेवक आ रहा है, उसकी सेवा कर लेना हमारा परम धर्म है तो सुख है। शंकर बाबा ने परमात्मा राम की कथा सुनी तो सुख मानी, और सती ने नहीं सुनी तो दुख मानी। अब ध्यान से देखिएगा, भगवान शंकर कथा सुन रहे थे तो पत्रकारों ने उनके नाम पर चार नाम, तीन नाम और जोड़ दिया। जो भगवान की कथा सुनता है याद रखना, वो चारों फल पा जाता है, और जो भगवान की कथा का तनिक भी उपहास कर देता है, भले वो शंकर बाबा की धर्म पत्नी ही क्यों ना हो, वो वातानुकूलित एसी भवन की रहने वाली ही क्यों ना हो, रहती थी वहां मानसरोवर में, जरा से सोच लिया वो शंकर बाबा की नजर से भी गिर गई,
भगवान की नजर से गिर गई। अच्छा, अपने पति की नजर से गिर जाना इससे बड़ा कुछ और नहीं है। वो गिर गई साहब। शंकर बाबा ने कथा सुनी, अब लिखा है आगे दो पंक्ति ठीक से सुने। आए थे तो उनके नाम में लगा था, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज रिसपाही, नाम एक जुड़ा था और उनकी पत्नी को तीन विफलेफण मिले थे, संग सती जगजननी भवानी। और जब वापस चलने लगी तो देखिए क्या पद घट रहा है। भगवान शंकर ने कथा सुनी तो एक नाम उनको और मिल गया, सुनी महेश परम सुख मान। नाम का पहले शंभु, दूसरा नाम मिल गया महेश, तीसरा देखिए, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। तीसरा नाम मिल गया। और जब चले विदा मांग करके, तब मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चौथा नाम मिल गया। और तीन नाम वाली का क्या हुआ, चले भवन सन दक्षकुमारी। जिस पत्रकारों ने तीन तीन नाम दिया था सती जी को कथा में आने पर, कथा में मन न लगाने पर, उन्हीं पत्रकारों ने उन्हीं सती जी को कह दिया, ये देखो बुद्धिमान बाप की बिटिया जा रही है। एक बार भी कह दिया होता कि चली भवन संग शिव प्यारी तो कहते चलो कुछ बच गया, सब कुछ उनका लुट गया, केवल राम जी की कथा का उपहास करने के नाते। जो विलंब से आए मैं उनको निवेदन करूं कि आप इसके पहले कैसे जरूर सुन लीजिएगा बैठ करके, मौका निकाल करके। ये काशी में आप रहते हो, काशी में आपका निवास है, वो काशी में रहने वाले भोले बाबा क्यों राम कथा सुनना चाहते हैं, वो प्रसंग में चर्चा में है कि क्यों वो सुनना चाहते हैं, काशी में क्या है और राम जी की कथा में क्या है, इसको जानने के लिए पीछे जाकर मन लगाकर सुनना ही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये राम कथा देती क्या है, इसी को जानकर आज विराम करेंगे। राम कथा देती क्या है, भगवान शंकर ने जो जो मांगा उनको ये कथा दे देती है, तो आपको हमको नहीं देगी क्या? भगवान शंकर को जो मांगने पर मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा? भगवान शंकर इस कथा को सुनने के बाद कहते हैं राम जी से नहीं, हे कथा जी, हे श्री राम कथा जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। राम कथा जी पूछती है क्या प्रार्थना करते हैं आप? शंकर बाबा कहते हैं हमको एक चाहिए, क्या चाहिए? वो कहते हैं जिनकी कथा मैंने सुनी है उनके दर्शन चाहिए। राम कथा जी बोलती है तथास्तु, तब शंकर बाबा की लालच बढ़ जाती है और शंकर बाबा कहते हैं एक और दे दीजिए ना। तो राम कथा जी पूछती है और क्या चाहते हो? अब देखिए कितना कठोर निर्णय है शंकर बाबा का। शंकर बाबा कहते हैं हे प्रभु, हे राम कथा जी, आपने मेरी एक कामना पूरी कर दी, दूसरी कामना भी पूरी कर दो, मेरी पत्नी मेरे भगवान को न देख पाऊं। ये भोले बाबा का संकल्प है। बोले शंकर भगवान की जय। और धीरे से जय। और धीरे से जय। शंकर बाबा कहते हैं कि हमको दो वरदान चाहिए आपसे कथा जी, एक तो ये कि मैं अभी मार्ग में जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन हो जाए हमको, और दूसरा वरदान दीजिए कि मेरी पत्नी सती किसी भी रूप में भगवान को न पहचान पावे। कथा जी कहती तथास्तु। याद रखना काशी में बसे हो, काशी की नगरी में रहते हो, शंकर बाबा से प्रेम करते हो, विश्वनाथ मंदिर मिलने जाते हो, शंकर बाबा अपनी पत्नी को माफ नहीं करते हैं, आप राम कथा का अपमान करोगे आपको माफ करेंगे क्या? शंकर बाबा अपनी पत्नी को कहते हैं तुमने मेरे साथ बैठकर कथा नहीं सुनी है, मैं कथा जी से कहूंगा कि तुझे भगवान के दर्शन किसी कीमत में ना हो, तेरे मन में भ्रम हो जाए, तेरे मन में संशय हो जाए, ये संशय के समाधान के लिए कथा कही जाती है, वो संशय तेरे अंदर पैदा हो जाए, मैं मांगूंगा। और कथा जी से मांगा और कथा जी कहती है तथास्तु। और सती जी चलती हैं, मार्ग में भगवान के दर्शन होते हैं,
भोलेनाथ पहचान जाते हैं, भोलेनाथ प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद जगपान। अस कहीं चले हो मनोज सा, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं। सत्य स्वरूप, हे आनंद स्वरूप, हे चित्त स्वरूप, आपको प्रणाम। अब ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अपनी पत्नी के साथ कथा सुनने बैठे वो भी सुने, जो नहीं बैठे वो भी सुन लें। शंकर बाबा ने भगवान को देखकर प्रणाम किया। अच्छा, भगवान को देखकर प्रणाम किया और सती जी की क्या दशा? सती जी अपने पति पर हंस रही है कि लगता है मेरे पति की मति मर गई है। हाँ, मति मर गई है। कैसे? अच्छा, आप ही अभी मनोज बाबू यहां से निकलो और घर पहुंचो और भगवान के फोटो को देखकर प्रणाम। जय हो प्रभु, प्रभु आपकी बड़ी कृपा प्रभु। तो आपकी पत्नी बोले, क्या पागलपन है, महाराज की कथा में गए थे, पागल हो गए का? अथवा आपकी पत्नी पीछे बैठी हो संतोष विश्वकर्मा जी, और आप जा रहे हो गाड़ी से और भगवान मार्ग में मिल जाए, आपको दर्शन हो जाए और आप बार बार मुड़ मुड़ के गाड़ी मोड़ के प्रणाम करो, प्रभु प्रभु बड़ी कृपा, आपके दर्शन हो गए। तो आपकी पत्नी पीछे से गुड़िया बोले, अरे पागल हो गए क्या, अब तो नहीं लाऊंगी कथा में कभी, ये क्या पागलपन है। अच्छा, किसको प्रणाम कर, ये भी बात तो का विषय भाई साहब, किसको प्रणाम कर रहे हैं वो? शंकर बाबा एक ऐसे आदमी को प्रणाम कर रहे हैं जो पेड़ को पकड़ कर रो रहा है, पेड़ को, और कह रहा है, हे पेड़ जी, हे वृक्ष जी, तुमने मेरी पत्नी सीता को देखा है? जो पागलों की तरह मृग को पकड़ कर रो रहा है और मृग से कह रहा है, हे मृग जी, तुमने मेरी पत्नी सीता को देखा, तेरी जैसी ही आंख उसकी भी है। अरे, जानवर से पूछा तो समझ में आता, पहाड़ के ऊपर लौट करके पूछ रहे हैं, हे पहाड़, तुमने मेरी पत्नी मृगनयनी, मृग के समान नयन वाली सीता को देखा है क्या? तो महाराज ऐसे दशा में वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, अब आप ना मानो तो आपकी मर्जी, कुरान में जो लिखा होता है वो मुसलमान भाई मानते हैं, बाइबल में जो लिखा उसे ईसाई मानते हैं, आप न मानो तो कौन मनाता है? लेकिन श्रीमद वाल्मीकि रामायण में लिखा कि भगवान जा रहे और वृक्ष को प्रणाम कर रहे, रे रे वृक्षा पर्वतस्था गिरी गहन लता पावना बिजमान। लताओं को पकड़ लेते हैं और लताओं से शिकायत करते हैं कि लताओं तुम जमीन में पड़ी थी, यहां मेरी सीता आई, हाथी के पैरों तले तू रौंदी जा रही थी, हमारी सीता यहां आई तो सीता ने उठाकर तुझे पेड़ पर चढ़ाया, तू सूख रही थी, बकरी के बच्चे आकर पेड़ तुझे खा रहे थे, गोदावरी से जल लाकर सीता ने सींच कर तुझे इतना बड़ा किया, और तुझसे मैं पूछ रहा हूं कि मेरी सीता को तुमने देखा तो तुम बोल नहीं रहे हो। वृक्ष लता वृक्ष लता ये तो बता, परस गवाए
तुम संग तोले बरस गवाए, प्रीति की रीति निभा, प्रीति की रीति निभा, किसने बाबा ऐसे मुद्रा में जो पागलों की तरह विचित्र स्थिति में हो उसको कह रहे हो कि जय सच्चिदानंद जगपान। तो पत्नी को शंका तो होगी जिसने कथा में मन नहीं लगाया, जिसके लिए कथा जी ने व्यवस्था बना रखी है कि किसी रूप में ये भगवान का दर्शन ना कर पाए, उसको तो भ्रम होगा। अब आप टीवी देखकर मगन हो रहे हो और अगले की आंख खराब हो, टीवी में कुछ दिखाई ना पड़ रहा हो, तो बोलेंगे क्या पागल है यार, क्यों हंस रहे हो, क्या दिखाई पड़ रहा है, बोले तुमको दिख नहीं रहा। अच्छा देखिए, अब ये बड़ी काम की बात है। भगवान शंकर जी ने मनोज बाबू मांगा था कथा जी से, कथा जी में बहुत ताकत है बाप, कथा जी से शंकर बाबा मांगते हैं। शंकर बाबा ने मांगा था कि मेरी पत्नी किसी रूप में भगवान आपको न देख पावे, और राम कथा जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि शंकर बाबा देख रहे हैं और वो तड़प रही हैं। और तब पीछे मुड़कर शंकर बाबा ने कहा, संशय असन धरी उर काऊ, किसी प्रकार का संशय मत पालो, संशय रूपी पक्षी पागल बना देता है, अर्जुन को इसी ने पागल बनाया था, मत पालो। कि नहीं मानी। तब एक बार फिर समझाने की कोशिश की पति होने के नाते, और कहा कि बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ऋषि मुनि जंगलों में जाकर जिसके दर्शन करना चाहते हैं ये वही तो है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन चहि गावहि, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन चहि गावहि, कहि मेत निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, कहि मेत निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई जीवन खपा देते हैं जिसको पाने के लिए, ये वही राम जी तो हैं। लेकिन जब ये बात भी मत में नहीं बैठी, अब देखिए ध्यान से ये पंक्ति आप भी याद करके जाना, लागन उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहू,
अनेकों बार शंकर बाबा अपनी पत्नी को समझाते हैं। बहु वचन लगा है, बहु सौ बार नहीं। लाग न उर उपदेश जदपि कहो शिव बार रहो, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जाने जिए, हरि माया बल जाने जिए। हे राम कथा के श्रोता भाई बहनों, अगर ये दोहा आपको ठीक से समझ में आया हो तो समझना, ना समझ में आया तो एक बार फिर से समझना। भगवान शंकर प्रणाम करते हैं किसको? लागन उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। बोले बाबा मगन होकर ताली बजाने लगे, कह रहे वाह कथा जी, आपने तो कमाल कर दिया, हमें भगवान के दर्शन कराए और मेरी पत्नी, मैं समझा रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रही, साधु की समझाने से कहां इसको समझ में आएगी, आपने तो हमारा काम बना दिया। तो कैसे हंसे? बोले भी हंसी महेश। अगर यहाँ लिखा होता कि बोले हंसी महेश तो हम कहते हल्का सा हंस दिए होंगे, हंसे नहीं, मुस्की नहीं मारी, ठहाका मारा। अच्छा आप ही का कोई काम बन जाए तो बिना ठहाका मारे कैसे रह सकते? भोले बाबा का काम बन गया। भोले भी हंसी महेश हरि माया बाप। अब कल की कथा है जो समय से आएंगे, कि आपकी पत्नी अगर झूठ बोलती है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? झूठ बोले तो डंडा उठा के मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? यही तो सीखना है कल। आपका बेटा अगर झूठ बोलता तो क्या करना चाहिए? अरे महाराज हमारा बेटा झूठ बोले हम जान जाए खाल खींच लेंगे, यही तो सुनना है कि बेटा झूठ बोलता है तो क्या करना चाहिए, पत्नी झूठ बोलती तो क्या करना चाहिए, अपना ड्राइवर झूठ बोलता तो क्या करना चाहिए, अपना नौकर झूठ बोलता तो क्या करना चाहिए, अपने कर्मचारी झूठ बोलते तो क्या करना चाहिए, आप झूठ बोलते हो तो क्या करना चाहिए? ये इसके लिए साहब आप कहोगे महाराज कहाँ लिखा? इसी रामायण जी में लिखा है, शंकर बाबा के द्वारा ही कहा गया है। काशी में रहते हो, शंकर बाबा झूठ बोलने वालों के साथ क्या व्यवहार करते हैं उसे जानने की जिज्ञासा काशी वासियों के मन में होनी चाहिए। साहब शंकर बाबा झूठ बोलने वाले के साथ क्या व्यवहार करते हैं ये जानने की जिज्ञासा है। तो पूरे परिवार को लेकर बैठो, बेटा झूठ नहीं बोलेगा, बेटी झूठ नहीं बोलेगी, पत्नी झूठ नहीं बोलेगी, भाई झूठ नहीं बोलेगा, बाप झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? जब वो इसको सुन लेगा तो समझ में बात आ जाएगी। ये कथा कल यहीं से प्रारंभ होगी, आगे का आनंद हम लोग लेंगे। दो मिनट भगवान का नाम हरि जप ले, हरि जप ले, हरि जप ले, खड़े हो जाओ सब लोग, ताली बजाते हुए। हरि जप ले, हरि जप ले का मौका है, हरि जप ले, हरि जप ले, हरि जप ले का मौका है, हरि जप ले, हरि जप ले, हरि जप ले का मौका है, अभी जप ले, अभी जप ले। लोग सोचते कल जपेंगे, नहीं अभी जप ले, अभी जप ले, अभी जपने का मौका है, दोनों हाथ उठा ले, अभी जप ले, अभी जपने का मौका है, अभी जप ले, अभी जप ले, अभी जपने का मौका है, अभी जप ले, अभी जप ले, अभी जपने का मौका है, राम जप ले, राम जप ले, राम जपने का मौका है, राम जप ले, राम जप ले, अभी जप ले, अभी जपने का मौका है, अभी जप ले।
हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। दिव्य श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस, ऐसे में मुख्य यजमान श्रीमान संजीव सिंह जी से निवेदन है सपत्नीक मंच तक आ जाएं। श्रीमान यशवंत सिंह जी, श्रीमान अजय सिंह जी, भैया अनिल सिंह जी, भैया अनिल सिंह जी, भैया मनोज सिंह जी, भैया शैलेश जी, प्रशांत जी, भैया प्रशांत जी, मित्र के सहित आए हैं तो मित्रों के सहित आए हैं, मनोज भैया मित्रों के सहित, आपके जो भी मित्र आए हैं उनको भी लेकर। हाँ संतोष जी, वेद जी, आप सब अपने I'm not afraid to die।
सुख देते हैं जिन्हें बचपन से हम लोगों ने तुम्हें मारो हरि सरकार की जय हनुमंत लाल महाराज की जय माता वैष्णो देवी की जय भैरव बाबा की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय उस्मानिया गणेश जी महाराज की जय क्षेत्रीय देवता की जय अधिदेवता की जय स्थान देवता की जय मंगलेश्वर महादेव की जय राम देवता की जय कुल देवता की जय आयोजक बंधुओं की जय श्रोता समाज की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय निज निज गुरु देव भगवान की जय कथा में आने वालों की जय कथा में ना आने वालों की जय कोई दिक्कत नहीं है ना दोनों हाथ उठा लिए सभी लोग।